हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। घंटा बजाओ तभी तो प्रसाद मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों मेरा नाम दीपक कुमार है और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम बात करेंगे मंगल फॉन्ट में टाइपिंग प्रेस्टिक कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, हिंदी के मंगल फॉन्ट में टाइपिंग प्रेस्टिक कैसे करें, वो भी दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन में। जी हाँ दोस्तों, हम बता दें आपको बहुत सारे एग्जाम टाइपिंग के होते हैं, जिसमें नोटिस जारी किया जाता है कि वो जो टाइपिंग टेस्ट लेंगे वो मंगल फॉन्ट में लेंगे, कोई कुर्तिदेव फॉन्ट में लेता है। सो दोस्तों हम बता दें, अभी एक बेल्ट्रॉन की ओर से नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बताया गया वो जो टाइपिंग टेस्ट लेंगे हिंदी के वो मंगल फॉन्ट में लेंगे। और दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो मोबाइल से टाइपिंग टेस्ट की प्रेस्टिक करते हैं और वो मंगल फॉन्ट में टाइपिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। सो दोस्तों इस वीडियो में हम वही बताएंगे आपको फ़ोन में मंगल फॉन्ट से कैसे टाइपिंग करना है। ओके दोस्तों, दोस्तों हम बता दें इस चैनल में आपको सरकारी जॉब से रिलेटेड वीडियो मिलते हैं और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलते हैं। दोस्तों अगर आप सरकारी जॉब से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप टाइपिंग का सही रूल जानना चाहते हैं, टाइपिंग कैसे किया जाता है दोस्तों और कैसे हाथ रखा जाता है और कैसे टाइपिंग करें कि आपका स्पीड बढ़े, तो उसके लिए दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखे हैं, आई बटन में उसका लिंक दिए हैं। दोस्तों आप वहां से उस वीडियो को देख के सीख सकते हैं कि आप अपने टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं और जल्दी इंक्रीज करें, सही रूल क्या होता है टाइपिंग का। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे मंगल फॉन्ट के कीबोर्ड देखेंगे। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, ये कीबोर्ड आप देख रहे हैं, ये मंगल फॉन्ट के कीबोर्ड हैं और ये कुर्तिदेव से बिल्कुल अलग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आपको की से क लिखना होता है और शिफ्ट के साथ अगर की प्रेस करते हैं तो ख होगा। जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे दोस्तों ग और घ दिया गया है। ओके दोस्तों, तो ये याद करना काफ़ी आसान है दोस्तों, के से क और शिफ्ट के साथ की प्रेस करते हैं तो ख होगा। ओके दोस्तों, उसी तरह यहाँ पे दोस्तों आपको आपको बताया गया है आई से दोस्तों ग होगा और शिफ्ट के साथ आई प्रेस करते हैं तो घ होगा। ओके दोस्तों, उसी तरह दोस्तों यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे अ आ, ठीक है, हर सही दिर गई। ओके दोस्तों, तो काफ़ी आसान है याद करना दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आप मिडिल से याद करना स्टार्ट कीजिएगा और ऊपर की तरह कीजिएगा, जैसे यहाँ पे दोस्तों आप देख लीजिए त थ द ध। ओके दोस्तों, सो दोस्तों हम बता देते हैं आपको कैसे मोबाइल पे मंगल फॉन्ट को इंस्टॉल करना है। ओके दोस्तों, सो दोस्तों हम आ गए हैं प्ले स्टोर में और यहाँ आपको सर्च बार में दोस्तों आपको लिखना है WPS ऑफिस। ओके दोस्तों, और यहाँ पे जैसे ही ऑफिस लिख के सर्च कीजिएगा दोस्तों, आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन मिल जाएंगे, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों हम यहाँ पे देखिए हम डाउनलोड करके रखे हैं ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। ओके दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, उसका नाम क्या है दोस्तों, यहाँ से बैक आएंगे, फिर सर्च बार में क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सटर्नल कीबोर्ड लिख के आपको सर्च करना है और यहाँ पे दोस्तों आपका खुल जाएगा एक्सटर्नल कीबोर्ड हेल्पर डेमो। यहाँ पे लोगो आप देख लीजिएगा दोस्तों अच्छे से, और यहाँ पे इसे भी हम पहले से ही डाउनलोड करके रखे हैं ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। ओके दोस्तों, आपको दो ऐप को इंस्टॉल करना है। सो दोस्तों दोनों सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक्सटर्नल कीबोर्ड हेल्पर का दो लोगो दिखेगा। दोस्तों यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं दोनों का सेटिंग है। दोस्तों इन दोनों लोगों के बारे में हम बताते हैं। दोस्तों फर्स्ट लोगो पे आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों, दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है चूज कीबोर्ड लेआउट पे। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप चूज कीबोर्ड लेआउट पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारे कीबोर्ड लेआउट मिल जाएंगे दोस्तों। तो आपको यहाँ पे दोस्तों एक ही कीबोर्ड को सेलेक्ट करना है जिसका नाम है दोस्तों हिंदी ट्रेडिशनल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप गौर से देख लीजिएगा, हिंदी ट्रेडिशनल को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ओके दोस्तों, उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको कैंसिल करके बाहर आ जाना है और इसमें आपको कुछ नहीं करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको जो दूसरा सॉफ्टवेयर दिख रहा है एक्सटर्नल कीबोर्ड हेल्पर का, जी हाँ दोस्तों ये दूसरा सॉफ्टवेयर जो दिख रहा है जिस पर लिखा गया है EKS EKH
स्विच आई एम ई, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछेगा यहाँ पे सेट कीबोर्ड, तो आपको सेट कीबोर्ड में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कीबोर्ड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक्सटर्नल कीबोर्ड हेल्पर को सेलेक्ट कर लेना है, ओके दोस्तों। और सेलेक्ट करने के बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको डब्ल्यू पी एस ओपन करना है। उसके बाद आपको डब्ल्यू पी एस ऑफिस को ओपन कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों आप ओपन कीजिएगा तो बहुत सारे कंडीशन बताएगा, आप उसे स्किप करके यहाँ पे आइएगा तो आपको इस तरह के आपको आइकन दिखने को मिलेंगे, ओके दोस्तों। और यहाँ पे आपको प्लस के सिंबल मिलेगा, आपको जनरली यहाँ पे प्लस के सिंबल पे क्लिक करना है, ओके दोस्तों। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप प्लस के सिंबल पर क्लिक कीजिएगा, आपसे पूछेगा यहाँ पे वर्ड प्रेजेंटेशन, तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है, ओके दोस्तों। जैसे ही डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सारे पेज खुलेंगे, तो आपको यहाँ से ब्लैंक पेज लेना है। और ब्लैंक पेज लेते ही दोस्तों आपके पास यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको कीबोर्ड अटैच करना है, और अटैच करके आप यहाँ पे मंगल फॉन्ट में टाइपिंग कर सकते हैं। दोस्तों हम अभी दिखाते हैं, हम अपना कीबोर्ड कनेक्ट करके और टाइपिंग करके दिखाते हैं, ओके दोस्तों। सो दोस्तों हम अपना यहाँ पे कीबोर्ड कनेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको कैसे टाइप करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम के प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे का हो रहा है। दोस्तों मेरे पास कैमरे होते हैं तो हम आपको लाइव दिखाते हैं, हम कीबोर्ड से प्रेस कर रहे हैं, ओके दोस्तों। हम अपने फ़ोन के कीबोर्ड से नहीं, हम एक्सटर्नल कीबोर्ड से प्रेस कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आप शिफ्ट के साथ की को प्रेस कीजिएगा तो खा होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आई को प्रेस कीजिएगा तो ग होगा, और शिफ्ट के साथ आई को प्रेस कीजिएगा तो घ होगा, ओके दोस्तों। इस तरह से आप टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आपको लिखना है तथा दादा, तो आपको यहाँ पे दोस्तों की के बगल में एल होता है और एल से त होता है। उसके बाद दोस्तों आप शिफ्ट के साथ एल को प्रेस कीजिएगा तो था होगा, और यहाँ पे ओ को प्रेस कीजिएगा तो द होगा, और शिफ्ट के साथ ओ को प्रेस कीजिएगा तो ध होगा। काफ़ी आसान है दोस्तों याद करना। सो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, हम यहाँ पे टाइपिंग कर रहे हैं मंगल फॉन्ट में, ओके दोस्तों। यहाँ तो यहाँ पे देख रहे हैं आप मंगल फॉन्ट में आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम टाइपिंग करके आपको दिखा रहे हैं, काफ़ी अच्छे से टाइपिंग हो रहा है। सो दोस्तों यहाँ पे आप टाइपिंग बुक खरीद लीजिएगा, 30-35 रुपये का होता है, और उससे आप टाइपिंग इसमें आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर में एमएस वर्ड में करते हैं, उस तरह से आप इसमें भी टाइपिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लेके हम आते रहते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।